दिया जाना चाहिए, आप जानते हैं इस बारे में? कतार ही 100 मीटर से लंबी हो तो सभी वाहनों का टोल नहीं काटा जाएगा। वेरी गुड, इसलिए हमारे को जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से हमें पता लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए बताने के लिए आपका। तो मुझे बोले कि नहीं आपको नकदी पेमेंट देनी पड़ेगी, ये तो कोई रूल नहीं है ना, टोल फ्री करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अभी पता लग गया इस बात का। वोट कहते हैं वोट दे दो तो फेर ही देंगे भाई, अगर हमारा कोई सोल्यूशन होगा इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा और मैं आपके साथ वसुंधरा काम्बोज। अक्सर आप हाईवे से गुजरते हैं तो आपको टोल का सामना करना पड़ता है और आपका टोल कटता है, चाहे आपकी गाड़ी में फास्टैग है तो फास्टैग के थ्रू कटता है, नहीं तो आपको कैश भरना पड़ता है। हम अक्सर टोल का इस्तेमाल करते हैं, टोल भरते हैं, लेकिन हमें अपनी जानकारी का बेहद अभाव रहता है। ऐसे में ही आज हम मौजूद हैं यमुनानगर से अम्बाला रोड पर स्थित गधोला टोल टैक्स पर और यहाँ से आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको मुख्य जानकारी देंगे 10 सेकंड रूल के बारे में। जी हाँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जहाँ बात आई अपने अधिकारों को जानने की तो वहाँ हम सबको जागरूक रहना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अपनी जानकारी के अभाव से ही लोग हमारा पागल बनाते रहते हैं और हमें खुद को नहीं पता जब हमारे कानूनों के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। तो इसी बीच हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको बताएंगे 10 सेकंड रूल। इसी बीच हम टोल पर मौजूद लोगों से, गाड़ियों से, वाहन चालकों से पूछेंगे कि उन्हें कितना पता है अपने अधिकारों के बारे में, उनसे रोक के जानकारी लेंगे कि क्या उन्हें पता है और कितनी बार उनका एक्सप्लोइटेशन इसके चलते हुआ है। कितने समय से वेट करना पड़ रहा है सर आपको यहाँ पे? टाइम ना है, 2 मिनट हुई होगी। 10 सेकंड का रूल है सर, 10 सेकंड से ज्यादा अगर आपको वेट करना होता तो आपका टोल फ्री कर दिया जाता है NHI की गाइडलाइंस के मुताबिक। अभी आपको इतना समय हो गया, यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो आपका टोल यहाँ पर मुफ्त कर दिया जाना चाहिए, आप जानते हैं इस बारे में? आपके पास अधिकार है कि आप उनको कह सकते हैं कि मैं इस पीली पट्टी के अंदर, जब आप इस पीली पट्टी के अंदर होते हैं तो अगर आपको 10 सेकंड से ज्यादा समय यहाँ पर लग जाता है फास्टैग होने के बावजूद तो आपका टोल नहीं लगता है सर। अगर आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। और अगर टोल कर्मी आपके साथ बदतमीजी करते हैं या आपकी बात नहीं मानते तो आप 1033 पर कॉल कर सकते हैं सर। पता नहीं था अभी, आइंदा ध्यान रखेंगे सर। हाँ, देखिए अगर कोई भी टोल कर्मी ऐसे में आपसे बदतमीजी करता है, अक्सर ऐसा होता है कि लोग नहीं मानते हैं कि भाई चलना देना, तो ऐसे में आप 1033 पे कॉल कर सकते हैं, आपका टोल फ्री करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अभी पता लग गया इस बात का। बल्कि टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में अगर आपकी गाड़ी को, वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है तो आपका टोल नहीं काटा जाएगा, इस बारे में जानकारी है सर आपको? पीछे जहाँ से स्टार्टिंग में, इसकी जानकारी नहीं है जी। तो आप आइंदा ध्यान रखेंगे सर, और अगर आपकी इस कानून का उल्लंघन करने की कोशिश अगर टोल कर्मी करते हैं तो आप 1033 पे भी कॉल कर सकते हैं। 1033 जी। और अगर कतार ही 100 मीटर से लंबी हो तो सभी वाहनों का टोल नहीं काटा जाएगा। वेरी गुड, इसलिए हमारे को जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से हमें पता लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए बताने के लिए आपका। जी सर। और अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग है और किसी भी कारण से चलते फास्टैग की टेक्निकल एरर से आपका फास्टैग नहीं कट पा रहा और आपके बैलेंस पूरा है तो टोल कर्मियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको रोक के परेशान करें, आपसे कैश लेने की मांग करें, उसमें भी आपका टोल माफ किया जा सकता है। इनकी वैसे हमें जानकारी नहीं थी, अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो रेट है 160 रुपये, और इन्होंने बोला है कि हम सिंगल ही काटेंगे, अप डाउन नहीं करेंगे, ये भी हमें बहुत अपना निंदा कर सकते हो इस चीज की आप। इसी के चलते NHAI ने ये गाइडलाइंस जारी की थी और उम्मीद करेंगे सर आगे से आप अपने अधिकारों से वाकिफ रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे जी, अगर आपके माध्यम से हमें पता लगता रहेगा, इतनी जानकारी मिलती रहेगी रोड की, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, टीवी चैनल्स का, आपका भी जी। थैंक यू सो मच सर। वाहन चालक हैं तो आप अपने अधिकारों से कितना कुछ वाकिफ हैं अगर आप 100 मीटर के दायरे के अंदर हैं टोल बूथ के और 10 सेकंड से ज़्यादा आपकी गाड़ी को समय लग रहा है तो क्या आपका टोल काटा जाएगा? नहीं मैडम, ये काटा नहीं जाना चाहिए। मान लो हमने फास्टैग में पैसे डाले तो फास्टैग से कटना चाहिए, ये हमसे पेमेंट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं आप नकदी पेमेंट देनी पड़ेगी, ये बात गलत है, इनका रूल सही नहीं है, हमें रूल अच्छा नहीं लग रहा ये। बिल्कुल, अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है और किसी टेक्निकल एरर की वजह से आपका फास्टैग उनकी तरफ से काम नहीं कर रहा है तो टोल कर्मी आपको परेशान नहीं कर सकते हैं कि आप हमें कैश दीजिए, आपके पास अधिकार है सर, आप उसको डिनाई कर सकते हैं, मना ही कर सकते हैं आप। नहीं मैडम, उनको बोला था मैंने कि मैडम हमने अभी फास्टैग में पेमेंट यानी कि जमा की है, आप फास्टैग से ले लो, तो मुझे बोले कि नहीं आपको नकदी पेमेंट देनी पड़ेगी, ये तो कोई रूल नहीं है ना जी। अगर हमारे फास्टैग में पेमेंट नहीं है फिर तो हम मानते हैं कि हमारे फास्टैग में पेमेंट नहीं है तो हम फिर देंगे पेमेंट,
पेमेंट होने के बावजूद भी ये हमसे नकद पेमेंट मांग रहे हैं, ये बिल्कुल रूल गलत है इनका। तो आपको क्या ये पता है कि अगर ऐसे कोई भी टोल कर्मी आपसे बदतमीजी करता है, गुंडागर्दी करता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अनुशासन बिल्कुल कोई इसका ये नहीं कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही भी आप, इनका कोई भी मतलब जी जानकारी देने के लिए ही हम आज आपके बीच पहुंचे हैं। अगर ऐसी कोई भी घटना आपके साथ होती है, कोई भी हरकत की जाती है, तो आपके पास अधिकार है आप 1033 पर आप कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं और ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि इनके साथ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत ज़्यादा लोगों को पर्सन को परेशान करते हैं ये, ऐसी ये बहुत अच्छी सहूलत नहीं है। जो टोल प्लाजा बने हैं मानते हैं कि हमें टोल देना चाहिए, लेकिन टोल लेने का भी कोई ढंग होना चाहिए, इनका तरीका होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रशासन नहीं है, प्रशासन को ये सब कुछ देखना चाहिए। अभी वोटें आ रही हैं, वोटें मांगने के लिए तो आ जाते हैं ये लोग, पब्लिक का कोई सोल्यूशन तो है नहीं इनके पास। वोट कहते हैं वोट दे दो फिर ही देंगे भाई। अगर हमारा कोई सोल्यूशन होगा, इनका सोल्यूशन तो इनका करना चाहिए, बस यही बात है मैडम। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिली होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को बिना सोचे शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी शोषण का शिकार हो रहे हैं, ये भी एक तरह का शोषण ही होता है कि अगर आपके पास अधिकार है लेकिन बावजूद इसके आपको कुछ ऐसी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है जो कि वैलिड है ही नहीं। आपके अधिकारों के बारे में आप खुद सचेत रहिए और देखते रहिए वायरल हरियाणा। इस खबर को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी हाईवे से गुजरते हैं, टोल को सामना करते हैं, टोल कटवाते हैं, उनको भी अपने अधिकारों के बारे में पता हो। और आपका इस बारे में क्या मानना है, कहाँ तक, किस हद तक ये इंडिया में लागू हो रहे हैं और लोगों को इस बारे में पता है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं यमुनानगर से वसुंधरा कांबोज।